जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर में दिल्ली मेरठ रोड पर मोटर क्राफ्ट नेक्सा के शोरूम का भव्य उद्घाटन मोदीनगर विधायक डॉक्टर मंजू शिवाच, भोजपुर ब्लॉक प्रमुख सुचेता सिंह, डॉक्टर राजेंद्र संजय त्यागी, सीईओ केडी त्यागी, सुशील शर्मा, आशीष चौधरी के द्वारा रिबन काट कर किया गया। इस दौरान मोटर क्राफ्ट के जनरल मैनेजर हरीश त्यागी व नेक्सा शोरूम टीम के सभी मेंबर उपस्थित रहे। जीएम हरीश त्यागी ने बताया कि मारुति सुजुकी की बिक्री भारत में पहले से ही नंबर वन पर है और हर घर में सिर्फ ज्यादा तौर पर मारुति की कार देखने को मिलती है। मोटर क्राफ्ट ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए मोदीनगर शहर में भी नेक्सा की सारी नई गाड़ियां मिले, इसको ध्यान में रखते हुए मोदीनगर में नेक्सा के शोरूम का उद्घाटन किया। यहां पर आपको नेक्सा, बलेनो, सियाज, इग्निश, एस क्रॉस, XL6 आदि गाड़ियां मिलेंगी। इस अवसर पर मोटर क्राफ्ट की पूरी टीम राहुल शर्मा, नगेंद्र चिकारा, विकास शर्मा, सुनील चौधरी, विदित शर्मा, आकाश अहलावत आदि के अलावा जनपद के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। KT लाइव न्यूज के लिए हसन खान की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम निपुण मेहता है, मैं टेरिटरी सेल्स मैनेजर हूँ नेक्सा में। जैसे कि आज नेक्सा का ओपनिंग हुई है मोदीनगर में, तो क्या जरूरत समझी कि यहाँ पर नेक्सा की ओपनिंग करनी पड़ी? देखिए, ये मोदीनगर के जो ग्राहक है उनको ध्यान में रखते हुए ये सेटअप का आयोजन किया गया है। अभी तक जितने भी मोदीनगर के ग्राहक है उनको अगर नेक्सा की गाड़ी लेनी है तो उनको या तो गाजियाबाद जाना पड़ता है जो यहाँ से 18-20 किलोमीटर है, या फिर उनको मेरठ जाना पड़ता है। तो उनकी सहलू उनको कष्ट ना हो तो इसलिए हमने जो भी गाड़ियाँ है वो यहीं पर हम आयोजन अब करेंगे। ये परमानेंट इवेंट है, ऑलमोस्ट ये लंबा इवेंट चलेगा। तो किसी भी कस्टमर को अगर कोई टेस्ट ड्राइव लेनी है, कोई इंक्वायरी करनी है, फाइनेंस करना है, हमारी टीम यहाँ बैठेगी और मोटरक्राफ्ट डीलरशिप की ये टीम बैठेगी जो हमारा बहुत ही एस्टैब्लिश्ड डीलरशिप है। गाजियाबाद का मारुति का बहुत ही बड़ा एस्टैब्लिश डीलर है, 13 साल से है। सामने भी इनका एरिना का शोरूम है, उसी की ही उन्हीं को ही नेक्सा का हमने दिया। तो नेक्सा में आपकी फेवरेट कार जैसे बलिनो, इग्निस, एस क्रॉस, XL6 और सियाज जैसी गाड़ियाँ आपको यहीं से ही उपलब्ध हो जाएगी। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ही आपको टेस्ट ड्राइव मिल जाएगी, यहीं पे ही आपको गाड़ी मिल जाएगी, सारी स्कीम्स वगैरह यहीं पे ही आपको समझाई जाएगी और डिलीवरी भी आपकी, होम डिलीवरी भी आपकी करा दी जाएगी। तो अब न्यू गाड़ी जो आ रही है नेक्सा की, कौन कौन सी आ रही है फिलहाल? देखो, अभी तो हमारे पास करंट यही वाली जो मैंने आपको बताया, बलिनो, इग्निस, सियाज, एस क्रॉस और XL6 है। तो नई गाड़ी जब भी लॉन्च हो जाएगी वो आपको उस हिसाब से पता चल जाएगा। अभी हमारे पास अभी जो हमारी जो करंट गाड़ी है हम इसी की जो सेल है वो यहाँ से शुरू कर देंगे। जैसे कि आज नेक्सा की ओपनिंग हुई है मोदीनगर में, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि अपने मोदीनगर जैसे छोटे शहर में इतने बड़े बड़े शोरूम खोले जा रहे हैं, नेक्सा अपना, मारुति अरेना और ग्रामीण क्षेत्र अपना ब्लॉक भोजपुर की अगर बात करूँ तो वहाँ पर भी एक शोरूम इनका खुला है, तो अपने ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा हर्ष का विषय है। हमें कुछ ऐसा लग रहा है जैसे जब से आप प्रमुख बने हो नेक्सा के और मोटर क्राफ्ट के ज़्यादा शोरूम खुले, क्या बात है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हुआ कहना, हमारा जुड़ाव और लगाव व्यक्तिगत है हरीश भाई से, और मोटर क्राफ्ट से मेरा जुड़ाव पिछले 13 सालों से रहा है जब मेरे पास मारुति वैगनार होती थी। तो ये गौरव का विषय मेरे लिए है कि ब्लॉक भोजपुर के अंदर इन्होंने शोरूम खोला, तो उससे ज़रूर मेरे ब्लॉक के लोगों को आसानी होगी कार खरीदने में, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जुटाने में। पहले उनको गाजियाबाद जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, मेरठ जाना पड़ता था। जो एक व्यक्ति है भैंसा बुग्गी चलाने वाले अपने किसान भाई, उनको वो फैसिलिटीज़ उनके गांव में ही मिल रही है, तो उनके लिए बहुत अच्छा फायदे का सौदा है। जैसे कि मोदीनगर में मोटर क्राफ्ट रोज नए आयाम स्थापित कर रही है, क्या कारण है? लोगों का प्यार है और जैसा 12 साल से चीज़ें डेवलप हो रही है, जैसे हमने 12 साल पहले करीना खोला था तो अब जैसे हम 200-250 गाड़ियाँ उधर की तरफ से निकाल रहे हैं, और अभी कॉमर्शियल का भी उद्घाटन किया है, सुपर कैरी का हमने यहाँ पे जो कॉमर्शियल गाड़ी है 15-20 गाड़ियाँ वहाँ से भी जाने लगी हैं, अभी 2 महीने ही हुए हैं। भोजपुर में भी खुला है तो वहाँ भी हम 20-25 गाड़ियों की रेंज में जा चुके हैं। तो ये गाँव की तरफ एक जुड़ाव भी है और लोगों के घर में अगर हम सर्विस दे रहे हैं तो उन पर विश्वास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और इसी का ये आयाम साबित हो जाता है, इसे ही आप कुछ भी कह सकते हैं। जैसे हर महीने लगभग एक शोरूम आप ओपनिंग कर रहे हो, तो कुछ ऐसा लग रहा है कुछ टाइम में ये मोटर क्राफ्ट नगर ना हो जाए? लोगों का प्यार रहा तो शायद ऐसा हो जाए, ये सब प्यार का ही खेल है कि लोग जुड़े हैं तो आगे बढ़ रही हैं चीज़ें, नहीं तो इतना बड़ा टफ होता है कि एक ब्रांच ही चलाना, एक कस्बा, छोटा सा कस्बा मोदीनगर है और यहाँ 4-4 ब्रांचें हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी दिख ही रहा होगा कि खर्चे तो सभी साथ जुड़े ही हैं अगर एक शोरूम खोले। जैसे कि आज नेक्सा के शोरूम का उद्घाटन किया गया मोदीनगर में, क्या कहना चाहेंगे? कहने मोटर क्राफ्ट द्वारा जो मोदीनगर विधानसभा के अंदर अपने 4 स्थानों पर जो शोरूम खोले गए हैं, एक तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, एक ग्राहक को गाजियाबाद या मेरठ नहीं जाना पड़ेगा,
जो सुविधा हमें गाजियाबाद सिटी में जाके मिलती थी या मेरठ मिलती वो हमें यहाँ मिल रही हैं। कस्टमर से इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, अब कस्टमर को सर्विस बहुत अच्छी दे रहे हैं। हमें गाजियाबाद के मेरठ के मुकाबले रेट में भी 1000-2000 का गाड़ी पर अंतर रहता है, तो मैं इन्हें पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना मारुति का शोरूम है, इसमें अपने जो डायरेक्टर हैं इनको भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अपने जो है मोदीनगर विधानसभा में इन्होंने जो एक बूम लेके आए हैं अपनी एक व्यवहार से, कुशल से और अपनी कार्यशैली से अपने मोदीनगर में छाप छोड़ी है। मैं चाहूँगा कि अपने जितने भी अपने स्थान हैं मोदीनगर, मुरादनगर और आसपास के जितने ब्लॉक हैं अपने, तमाम जगह अपनी अपनी ये अपनी शोरूम खोले जाएँ और तमाम जो अपनी संस्थाएँ उसको जो है शुभकामना देते हुए अपने संगठन के द्वारा, भाजपा के पदाधिकारी के द्वारा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जब मोटर क्राफ्ट द्वारा ये नया शोरूम खोला गया है ये जरूर निश्चित रूप से मोदनगर के लिए मील का पत्थर साबित होगा, और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हरीश जी जो बड़े ही व्यवहार कुशल हैं और आए दिन नए नित आयाम खड़े कर रहे हैं, मैं इनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज जो सब सर्वप्रथम मैं मोटरक्राफ्ट को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने मोदीनगर शहर में आज शहर को प्रॉपर शहर का दर्जा दे दिया है, क्योंकि आज शहर में आपको गाड़ी मिलना मतलब बड़े शहर के दर्जे में आता है, क्योंकि पहले ये कल्पना या भावना की जाती थी कि बड़े शहर में गाड़ी मिलेगी, अब मोदीनगर भी उसी कड़ी में जुड़ गया है और आज मोदीनगर में जो वासी हैं निवासी हैं सभी को मोदीनगर में सब चीज़ उपलब्ध होगी। मोदीनगर पहले बड़ा शहर था, आज बहुत बड़ा शहर हो गया है, और बहुत बहुत शुभकामना हरीश भाई को और मोटरक्राफ्ट को इस शोरूम के। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पर नेक्सा शोरूम जो खुला है ये बहुत बढ़िया शोरूम और अव्वल दर्जे का शोरूम है। एक छोटे से मोदीनगर जैसे शहर के अंदर इतना बड़ा शोरूम खुलना बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए हमारे हरीश भी बड़े बधाई के पात्र हैं, और आगे इसी तरीके से भविष्य में भी लोगों को सुविधाएं मिलती रहेंगी हमारे शोरूम में। बहुत पता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल कहना चाहूँगा सर, हम सब शहरवासी बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद फील करते हैं, ऑनर्ड फील करते हैं कि आज जो शोरूम का आगाज़ किया गया है इसका आगाज़ जितना खूबसूरत है इसका अंजाम भी उतना ही खूबसूरत होगा। और मैं छोटे शब्दों में बड़ी बात अगर कहूँ तो हरीश जी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इनका जो व्यवहार है वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि बिहेवियर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नॉलेज, ये बहुत ही व्यवहार कुशल है और बड़ी शिष्टता है शब्दों। जब कोई भी कस्टमर आता है तो कस्टमर को ये मानते हैं, कस्टमर का मतलब है कस से मरा हुआ, जिसको भी दुविधा होती है ये दुविधा को सुविधा में बदल देते हैं, जिसको उलझन होती है ये उलझन की सुलझन बना देते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं कस्टमर को अपनात यहाँ पर दिखाई देती है। हाँ, कस्टमर को अपनापन लगता है और जिसको भी कोई भी उलझन होती है किसी भी चीज़ के बारे में तो ये हमेशा उलझन को सुलझन में बदल देते हैं। तो इनकी जितनी तारीफ़ की जाए मेरे ख्याल से उतनी ही कम है। और दो शब्द मैं कहना चाहता हूँ कि फर्श से अर्श तक ईमान ही ईमान है और सुविधा इनका मजहब, ये प्यारा हिंदुस्तान है। थैंक यू सो मच जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल कहना चाहेंगे, मोदीनगर का सौभाग्य है कि एक तो यहाँ पे मारुति जैसे सुपर ब्रांड का एक शोरूम था, फिर दो हुए, फिर तीन हुए और चार हुए। हम चाहते हैं कम से कम चार खुल जाएँ कि गोविंदपुरी से लेकर वहाँ तक केवल मारुति दिखाई दे। मारुति एक ऐसा ब्रांड है कि जिससे जिस ब्रांड ने एक छोटे लोअर ग्रेड को भी और मीडियम ग्रेड को भी सम्मान दिला रखा है, तो जब उसने सम्मान दिला रखा तो हम भी चाहते हैं कि मारुति को सम्मान मिले। और त्यागी जी का भरपूर प्रयास है इस पूरे शहर में इनक्रीज करने का, शोरूम खोलने का मकसद ये है कि ये बहुत अच्छी लेवल पर चल रहा है और प्रगतिशीलता चल रहा है और ऐसे ही रहे, हम ऐसे ही चलता रहे, हमारी गुजारिश है और सभी भाइयों का वो सहयोग है। शुभकामनाएं बहुत बहुत हरी जी को और शोरूम को, पूरी टीम को।